अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। है ना, पूरा ले लो। अच्छी चार सर। भाई आपका क्या नाम है? अंजना। अंजना नाम है ना। कहाँ रहते हैं आप? सियापुरा। तो ये यहाँ से व्यक्ति उधर जा सकता है ना? नीचे आओ जरा। नहीं जा सकता। अरे आप देखो, जब हम जा सकते हैं आप लोग क्यों नहीं जा सकते? ये हाथ जा रहा है ना आपका, इधर हाथ करो नीचे, इधर करना नीचे, उधर जाकर। तो कोई आदमी जाते बांध दी, उसे थोड़ी बंदेगी थी। ऊपर से उधर से पहले ना। हाँ जा रहा ना भाई आपका? हाँ जा तो रहा है। ठीक ठीक ठीक, आ जाओ दादा। जा रहा ना आपके सामने ही बताया ना, जा रहा है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जा रहा ना भाई, जा सकती ना लेकिन नीचे से बांधा उसको, ऊपर नहीं आए वे लोग। नीचे से बांध के दिए उसको, बांध ली पहले उसको, साड़ी में साल तो पड़ता है। अभी मोटी राजा आते हैं, मोटी इंसान साड़ी में एक साल नहीं पड़ा है, गला घुट के मार के ये वापस ऐसे लिया। मतलब दुबई में जाने का मंत्री चोट क्या देख रहे हैं? ठीक है ना, कह रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बयान होंगे अभी सीएस मिलेगा, ये भी वीडियो भी पेपर में जाएगी ना। इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, गाड़ी गाड़ी अभी आप एमजी हॉस्पिटल पहुँचे, क्या कुछ घटना है? हाँ, हमारी लड़की को फांसी लगा दी है जमाई ने। 3 महीने से झगड़ा चल रहा था, 3 महीने से ने, और कल मारे मार डाली उन्होंने। आपको कैसे खबर लगी कि हमको पड़ोसी ने फोन लगाया, रात की मरी हुई थी, सुबह फोन लगाया उन्होंने, उन्होंने भी फोन नहीं लगाया, पड़ोसी ने लगाया। कितनी उम्र है इनकी जिन्हें? 25 साल उम्र है लड़की की, 4 साल 25 साल की उम्र है। क्या नाम है इनका? शोभा नाम है उसका। कहाँ रहते हैं ये? ये देवास में रहते हैं, यहाँ विजयनगर में। और इनका हस्बैंड क्या करता है? उसका हस्बैंड में दुबई में क्या होटल का बेरेज में होटल में वहाँ होटल मैनेजर है दुबई में, काम करता था। आप आ गया दुबई में, आप आ गया। वो क्या कुछ विवाद चलते थे इनके? हाँ, 3 महीने से चल रहे थे इनके। क्या विवाद चल रहा था? ये घर में पति पत्नी लड़ते थे ना, वो बाहर जाता था ना फिर आता था, 8 महीने में 9 महीने में तो झगड़ा करता था लड़की से। आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला भाई। आप कौन है? उसकी मम्मी हूँ। किसकी? उस लड़की की जो घटना हो गई उसकी मम्मी हूँ मैं। ठीक है। हाँ, तो वैसे झगड़ा करता था तो मेरी छोरी को फोन वोन भी सब छुड़ा लिया उसका, फोन लगाती मम्मी पापा को, तो फोन भी उसके कमरे में भी ताला लगा दिया उन्होंने, बाहर बरंडे में हाल में पटक रखी उसको। और हमको सुबह मालूम पड़ी, पड़ोसी ने किया सुबह 6 बजे, तब हम आए उसको। कहाँ रहती थी आपकी लड़की? ससुराल में। कहाँ है उनका ससुराल? देवास में। यही? ठीक। विजयनगर में, देवास में। ये क्या कुछ घटना हो गई थी? क्या हुआ इनका जो पति पति पत्नी का दोनों का लड़ाई झगड़ा 2-1 महीने से चल रहा था, तो लड़की भी आके थोड़ा बहुत बता रही थी कि ये मेरे को साथ अत्याचार करता है, तो मैं कि चलो थोड़ा बहुत ऐसे ही करता होगा,
तो हमको नहीं मालूम कि ये इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। अब वो घटना होने भी क्या है कि या इसकी बहन को भी इसने बताया था कि मारपीट करता, पूरी बात हमको मेरे को बताती नहीं थी। और अभी 3-4 दिन पहले ही ये आईके से या इसका आदमी लेने आया था, मैं तो थोड़ा बाहर गया हुआ था सीहोर जिले में, इसके बाद ये आराम से चली गई और इसके बाद ये आज घटना मिली। तो ये अभी सुबह सूचना 6 बजे मिली कि शोभा ने तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली, लोगों ने बताया मेरे को। कल क्या कुछ विवाद हुआ था क्या रात में? रात में यही सुनने में आया कि ये पति पत्नी का कोई झगड़ा था, ये विवाद था, तो ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अब ये तो जांच में आ जाएगा। आपको फ़ोन किन्ने लगाया था सुबह 5 बजे? सुबह फ़ोन पड़ोसियों ने बताया, मतलब कि तुम फोन आया कि शोभा ने फांसी लगा ली। तो जैसे ही हम यहाँ देवास आए तो देवास में ये दुपट्टा ऊपर बंधा हुआ था और वो भी कटा हुआ था, लड़की नीचे पड़ी थी फर्श पे, किसी ने पुलिस ने ही उसके पहले उसको उतार लिया, जबकि उन्होंने साक्ष्य को ख़त्म करा। ये वो अगर उसने आत्महत्या करी तो लटकी रहने देना था, तो हमको इस पर शंका है। तो इसमें पुलिस को निष्पक्ष जाँच करना चाहिए। तो हमको ऐसा शंका, या तो इन्होंने मार डाली और फिर फंदे पर लटका दिए और काट के नीचे गिरा दी होगी, ऐसा हमको शंका है। क्या नाम है इनका जिनके साथ घटना हुई? मेरी लड़की है शोभा चौहान। कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र है 25 साल। बच्चे भी हैं इनके? एक बच्चा है। कितनी उम्र है बच्चे की? 4-1 साल का। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम रूप सिंह चौहान। ठीक है। कहाँ से हैं आप? मैं बरोठा ही रहने वाला हूँ। मैं फारेस्ट में नौकरी करता था, रेंज ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ।